तो देखिए हेडिंग डालिए वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो वॉन्डर वॉल रेडियस में हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर कोई भी ये दो जगह पाया जाएगा, ठीक है, एक तरह से ये क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है वॉल्स। ठीक है, अब वी करके होता है क्या, नहीं सही तो है, तो ये हो गया वॉन्डर वॉल रेडियस। तो हम लोग कहते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर आपके पास एक एंड पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इक्वल और अपोजिट निगेटिव चार्ज है ना, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट है। तो दैट सिस्टम ऑफ चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये नहीं कि एक तो दिल्ली रख दिया, एक तो कलकत्ता रख दिया, है ना। तो ये इक्वल अपोजिट चार्ज तो है, लेकिन दे आर नॉट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो उन्हें हम डाइपोल नहीं कहेंगे। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंस होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल प्रोड्यूस करते हैं उसका अपना करेक्टर होता है। जो नॉर्मल चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है ना। लेकिन जो डाइपोल्स होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्स क्यूब लॉ को, ठीक है, फॉलो करती है। इसका मतलब कि आर अगर बहुत कम होगा तो फोर्स वो बहुत ज्यादा लगाएंगे, है ना, एज कंपेयर टू द सिंगल चार्ज। ये बात समझ में आई। तो इसीलिए अगर कोई भी इसके प्रॉक्सिमिटी में आता है, कोई भी चीज इसके प्रॉक्सिमिटी में आता है वो ज्यादा फोर्स लगाता है, डाइपोल ज्यादा फोर्स लगाता है। तो हमारे पास जो सिस्टम है, जो डाइपोल कैसे इंड्यूस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास HCl मॉलिक्यूल है, H और Cl, तो दोनों के अपने अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो जो क्लोरीन होता है हेलोजन फैमिली जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब कि दिस सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज ए डाइपोल। एक निगेटिव चार्ज इधर आ गया, पार्शियल निगेटिव कहते हैं, और इसके ऊपर क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दैट बिहेव लाइक ए टीनी डाइपोल। तो HCl मॉलिक्यूल जो है एक टीनी डाइपोल हो गया, छोटा सा डाइपोल कंसीडर किया जाएगा। और जब भी हम HCl की बात करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो वो सारे के सारे सारे डाइपोल सिस्टम है, ठीक है। तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, जो निगेटिव पोल है वो पॉजिटिव पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ये दूसरा वाला HCl मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव यहां आ जाएगा, निगेटिव यहां आ जाएगा, और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। दो डाइपोल के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्ड एटॉमिक लेवल पे नहीं बन रहा है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स हो गया, जो ऑलरेडी बॉन्ड बना के अपना इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्टेबल कर चुके हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है। इसी तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ये H2O हो गया, तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो बॉन्ड है ये भी पोलर बॉन्ड है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इसका मतलब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्टेड होगा टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आने वाला है, और जो दूसरा एंड है हाइड्रोजन उस पे क्या आने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव। तो दे दीज आर द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इसीलिए ये एक डाइपोल हो गया, सिमिलरली यहाँ पे भी एक डाइपोल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों डाइपोल का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं आएगा वेक्टर सम, हम लोग देखते हैं, है ना। तो इनका वेक्टर सम कहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि नेट डाइपोल कहीं इसे हम इससे हटा के रिप्लेस कर देंगे, तो हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है, डाइपोल है, उसे डाइपोल से रिप्लेस किया जा सकता है। इसका मतलब कि वाटर जो होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसके दोनों बॉन्ड एज ए डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर है। लेकिन अगर कोई बॉन्ड पोलर है उससे मॉलिक्यूल पोलर हो, इसमें डिफरेंस है। जैसे हम लोग आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ये बॉन्ड पोलर है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है,
और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे हम कहेंगे पार्शियल निगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा यहाँ पार्शियल निगेटिव आएगा, तो ये जो डाइपोल है ना निगेटिव से पॉजिटिव, ये डाइपोल और ये डाइपोल निगेटिव से पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 180, तो यहाँ बॉन्ड पोलर होते हुए भी मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, क्यों, जो बॉन्ड की पोलरिटी है एक दूसरे को क्या कर रही है कैंसिल आउट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे देखिए HCl मॉलिक्यूल है और ये एक डाइपोल हो गया, चलिए कोई भी सिस्टम हो एक डाइपोल है मान लीजिए, और डाइपोल है तो एक निगेटिव पोल होगा एक पॉजिटिव पोल होगा। अब मान लीजिए कि ये डाइपोल से निगेटिव और ये पॉजिटिव पोल है, और हमने मान लिया कि ये एक ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड में है जो पॉजिटिव चार्ज से क्राउडेड है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होने वाला है कि उसका निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो किधर शिफ्ट कर जाएगा अवे फ्रॉम द सॉरी पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा निगेटिव की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किधर शिफ्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल पहले क्या था, ये जो एटम है या मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर था, लेकिन इसके आने की वजह से जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, या यूं कहें कि जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स थे उन्हें रिपेल कर दिया अवे फ्रॉम इट, है ना। इसका मतलब कि ये पहले पोलर नहीं था लेकिन अब ये पोलर हो गया है, तो इसे कहते हैं ये इंड्यूस हुआ है डाइपोल की तरह, तो दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये परमानेंट डाइपोल था। तो ये इंट्रैक्शन जो हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, इंड्यूस्ड डाइपोल और परमानेंट डाइपोल के बीच में। तो जो भी ये फोर्सेस एक्ट करते हैं वांडरवाल फोर्सेस एक्ट करते हैं, या तो वो क्या होते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है दोनों परमानेंट डाइपोल हो, या फिर एक डाइपोल होता है दूसरा क्या होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। यही वजह है कि हमें ये इस बॉन्ड को या इस अट्रैक्शन को ओवरकेम करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। यही वजह है वाटर पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह है, या वाटर के अंदर जो पोलरिटी ये पाई जाती है, ठीक है, कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है इसीलिए वो पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है ना, कि मैक्सिमम चीजें इसमें क्या हो जाती हैं डिसॉल्व हो जाती हैं, जो पोलर है उनके बीच के बॉन्ड को ये क्या कर देता है ब्रेक कर देता है अपने स्ट्रॉन्ग है ना फोर्स से, ठीक है, या इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कहते हैं ज्यादा होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो वांडर वाल रेडियस होता है वी आर कहेंगे, वी आर मतलब वांडर वाल रेडियस, तो लिखिए it is defined as half of the internuclear distance, half of the internuclear distance between between two nearest between two nearest molecules between two nearest molecules in non bonded state ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्डिंग बॉन्ड्स होते हैं है ना, जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड में क्या हो गया कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ठीक है, अगर दो नॉन मेटल हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्टेट की मर्यादा रखते हुए, है ना, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये सारे बॉन्ड्स क्या हो गए, जो कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड हो गए, इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन करके होता है। तो ये प्राइमरी बॉन्ड बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन और ये स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू द सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है, जैसे हमने कहा कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अब वहां जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना इलेक्ट्रॉन गेन लॉस या शेयर करना था कर चुके हैं। अब उनको मतलब उनके हर एटम के, जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स हैं, हर एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, वो अपने नियरेस्ट गैस के इक्विवेलेंट है। अब जब हमें किसी की जरूरत है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को स्टेबल करने की जरूरत नहीं है, तो जो मॉलिक्यूल है वहां पे दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। जैसे हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल ये है, है ना, तो ये तीन मॉलिक्यूल दिखाए हैं हमने, कहा कि छोटा वाला से ए टाइप है, ये ए है, और जो बड़ा वाला इसमें एटम है वो हमने कह दिया वो बी है, ये बड़ा वाला बी है, ठीक है। अब अगर हम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखें, है ना, नियरेस्ट एटम के बीच में, ये ए का न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये भी ए का न्यूक्लियस है, और जाहिर सी बात है अगर दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में सेपरेशन होगा, है ना, दे आर सेपरेटेड पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो सेपरेशन है इनके बीच में वो डी किसके हो गया, ए ए हो गया, है ना। और अगर हम यहाँ पे बी के लिए बात करें तो बी के बीच में भी सेपरेशन होगा, इसे क्या कहेंगे, डी बी बी कहेंगे। तो जो वांडरवॉल रेडियस फॉर ए होगा, वी आर वांडरवॉल रेडियस फॉर ए हो जाएगा, वो किसको काउंट किया जाएगा, जब ए ए एंड सेपरेटेड है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डी ए ए हो जाएगा। और अगर वांडरवॉल रेडियस बी के रिस्पेक्ट में बात करी जाए, हाँ, दैट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट बी बी एटम्स, है ना, जो मॉलिक्यूल के बी बी एटम्स है, डी क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये एक तरह से क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, है ना, या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जैसा भी बिहेवियर यहाँ पे हो। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये ए बी एक मॉलिक्यूल है, है ना, और ये भी नियरेस्ट दूसरा मॉलिक्यूल है, या यूं कहें ए बी ये मॉलिक्यूल है, नियरेस्ट ए बी मॉलिक्यूल ये है, इसमें बी बी एंड आपस में अपोजिट साइड में है, साथ में है, और इसमें ए ए एंड आपस में साथ में है। तो जो दूसरा सेकेंडरी बॉन्ड हो गया उसे हम क्या कहेंगे, वान डर वाल, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वान डर वाल वॉल्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, नोट करो। अब देखिए मेटल्स, है ना, तो जितने भी हमारा मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें हम लोग बात करते हैं कि जब भी वो फ्रीज करते हैं या फिर सेटल डाउन होते हैं तो उनके एटम्स एक पर्टिकुलर मैनर में सेटल डाउन होते हैं। जब भी आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो उसमें हर मेटल का करेक्टर दिया रहेगा कि ये कैसा मेटेलिक सॉलिड बनाता है, ठीक है, जिसमें आपको ट्वेल्थ में पढ़ना है। थोड़ा सा हम इंट्रो दे दे रहे हैं आपको मेटल्स। जैसे आप कहते हो कि एक एटम के बगल में दूसरा एटम आके फ्रीज हो जाएगा, साथ में रहेगा, तीसरा एटम होगा, है ना, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं एटम्स को एक लाइन में। ये सारे एक एटम जो होगा एक आइडेंटिकल स्फीयर से, सारे एटम्स आइडेंटिकल स्फीयर्स हो गए, इन्हें कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक। अब ये सारे के सारे जो भी मेटेलिक, जो पर्टिकुलर एक मेटल होगा, कोई मेटल एम मान लेते हैं, तो ये मेटल अपने एटम्स को इस तरह से अरेंज कर दिया। अगर ये अरेंज करता है तो इसमें एक एटम दो एडजेसेंट एटम से अटैच्ड है, एक इसका एडजेसेंट एटम ये है और दूसरा क्या है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो कहते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो टू है। क्यों टू है, क्योंकि यहाँ पे जो एटम है ये डायरेक्टली टू एटम से कनेक्टेड है, अटैच है, टच कर रहा है। तो जितने डायरेक्टली एटम को टच कर रहा है वो उसका क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, ठीक है, ये सब ट्वेल्थ में पढ़ोगे। लेकिन ये वन डायमेंशनल
अरेंजमेंट है। अगर हम टू डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं तो देखिए कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, हमने क्या किया, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट किया, और जो दूसरा डायमेंशन रखा है ना, दूसरा जो डायमेंशन रखा हमने वो सपोज इसी के नीचे रखा हमने, एग्जैक्टली एक एटम के नीचे दूसरा एटम, दूसरे के नीचे तीसरा, है ना, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के, इस तरह से स्ट्रक्चर रखा। अब अगर आप इस तरह से लैटिस अपने आप को स्पेस में अरेंज करता है, ठीक है, सब आइडेंटिकल स्पीयर्स है, देखने में स्केचिंग में भले लग रहा हो, ठीक है, और ये सिर्फ टच कर रहा है बाहर से, इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप नहीं कर रहा है या मर्ज नहीं कर रहा है, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अगर इसको देखा जाए तो ये डायरेक्टली कितने लोगों को टच कर रहा है, एक ये हो गया, ठीक है, इसको इसको टच कर रहा है, इसको नहीं टच कर पा रहा है, टच इसको कर रहा है, एक हो गया, इसको टच कर रहा है, दो इसको नहीं टच कर पा रहा है, अब इसको नहीं कर रहा है, इसको तीन और इसको चार। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो डायरेक्टली टच कर रहा है, वो चार एटम को टच कर रहा है, तो ये कहा जाएगा ये सॉलिड अपने आप को अरेंज किया है सच दैट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फोर है। इसकी बात करो, इसका भी फोर है। लेकिन अगर यही लैटिस अपने आप को और एफिशिएंट बनाता और इस गैप में अरेंज करता एटम को, ठीक है, इस गैप में अरेंज करता चला जाता इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अरेंज करता, अब मान लीजिए इस गैप में फिर अगले गैप को फुलफिल करते हुए अपने आप को अरेंज किया, समझ रहे हैं, इस तरह से अरेंज किया, ठीक है। फिर यहां पे अब इसमें किसी इस एटम को उठा लेते हैं और इसको देखते हैं तो इसको भी टच कर रहा है, दो तीन चार पांच और क्या हो गया, छह हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, सिक्स हो गया। इसी तरह से जितने भी हमारे पास डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं वो अपने आप को, ये सब टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो भी सॉलिड्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, कोई लीनियर नहीं होता है ना 2D होता है, लेकिन इसी 2D का इंटीग्रल फॉर्म होता है 3D, ठीक है। तो वो स्पेस में अपने आप को अरेंज करते हैं और उसमें बहुत टाइप के सॉलिड होते हैं, जिसमें तीन हम लोगों को मेन पढ़ना होता है, एक होता है फेस सेंटर्ड, अरे सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है कि सारे के सारे एटम्स कहां पे अरेंज है, जो क्यूब है उसके कॉर्नर पे अरेंज्ड है, ठीक है, एक यहां पे हो गया, फिर दूसरा ऐसे हो जाएगा, तीसरा फिर ऐसे हो जाएगा, ये टॉप फेस हम बना रहे हैं, इस तरह से टच किया हो, ठीक है। और अगर यहां पे हम बनाए, समझ रहे हैं, ये जो फेस सामने दिख रहा है आपको, ये साथ में आएगा, ठीक है, तो ये सॉलिड्स हो गए, तो ये क्या है, दैट इज द 1/8 पार्ट। अगर आप यहां भी बनाने की कोशिश करोगे, यहां पे इस तरह से रहेगा, हाँ 3D बनाए, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे एटम्स कहां पे हैं, उनके सेंटर्स कॉर्नर पे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगी, सेंटर, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये एज लेंथ के बराबर हो गई, है ना, तो वहां पे हम लोग निकाल लेते हैं। इसी तरह से जब एक बनाते हैं हम लोग, और हम सिर्फ अब एक फेस की बात करेंगे, बस इस फेस की हम बना दे रहे हैं ना, पूरा नहीं बना रहे, पूरा में टाइम जाएगा, हम लोग को ये पढ़ना भी नहीं, बस थोड़ा आइडिया हो जाए सॉलिड स्टेट का, थोड़ा सा कि हम लोग वहां मेटेलिक सॉलिड की कैसे बात करते हैं। होता क्या है कि एक एटम इसके फेस के सेंटर पे आ जाता है, ठीक है, फेस सेंटर्ड हो जाता है, और बाकी टच करते हैं कॉर्नर पे रह के, तो इसे कहते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं, क्यूबिक सेल इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से बनता है, इसका मतलब कि ये जो सॉलिड हो गया है ना, ये अपने आप को इस तरह से किया है ताकि उसका एक एटम कहाँ आ रहा है, फेस पे आ रहा है, और बाकी क्या है, कॉर्नर पे है, ठीक है। इसी तरह से बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर में भी हम आपको अगर थोड़ा सा आइडिया दे दें, तो ये आपके पास जब यहां से यहां को ज्वाइन करेंगे तो ये बॉडी डायगनल कहा जाता है, इस बॉडी डायगनल पे एक एटम यहां पे होगा, है ना,
बॉडी में, और एक यहां से टच कर रहा होगा, ये यहाँ डॉट डॉट कर रहे हैं, यहाँ पे फिर डॉट डॉट हो जा रहा है, ये सॉलिड एक यहां से टच करेगा, एक ही सॉलिड पे होगा, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, बॉडी सेंटर है। अच्छा, दो कॉर्नर हम दिखाया, कॉर्नर आठ है, तो बाकी छह जगह पे और एटम होगा। तो ये कहते हैं कि ऐसे फ्रीज किया है, ऐसे एटम अपने आप को स्पेस में अरेंज किया है कि वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, बीसीसी कहते हैं, है ना। तो सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, एफसीसी, बीसीसी, ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या जानना है कि जो भी एटम होगा, अगर सॉलिड सॉलिडिफाई हुआ है, अगर वो ठीक है, अगर वो सही से सॉलिडिफाई हुआ है और स्ट्रक्चर उसका फिक्स हो जाएगा, अब वो स्ट्रक्चर फिक्स होगा तो उसमें सारे एडजेसेंट एटम आपस में क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, ये सारे के सारे एडजेसेंट एटम टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनका अगर हम 2D स्ट्रक्चर सिर्फ ड्रॉ कर लें, हमें 3D नहीं ड्रॉ करना है, तो उसमें हम कहेंगे कि ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ये सेपरेटेड नहीं होंगे, वंडरवॉल की तरह, रेडियस की तरह, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेपरेशन होता है, वैसा भी नहीं होना है, ये एग्जैक्टली टच करेंगे, ठीक है, ये एग्जैक्टली टच करेंगे, ये ना तो मर्ज करेंगे एक दूसरे के अंदर और ना तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। अब यहां पे जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो गई है ना, यहाँ पे जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो गई, वो सारे के सारे तो एक ही टाइप के एटम है ना, तो डी ए ए कहेंगे, सब ए टाइप के एटम्स है मेटल के, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेटेलिक रेडियस एम आर, मेटेलिक रेडियस डिफाइन किया जाएगा फॉर ए के लिए, जो भी ए दिखाया गया है, वो हाफ ऑफ द क्या हो जाएगा, डी ए ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एम आर, रेडिंग डालिए, मेटेलिक रेडियस एम आर। तो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atom in metallic lattice. ठीक, अब हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेडियस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेडियस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेडियस। तो हम लोग देखते थे कि अगर दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स, लेकिन नॉन मेटल है, दो नॉन मेटेलिक एटम्स आपस में अप्रोच करते हैं तो उनका कुछ रीजन क्या हो जाता है, ओवरलैप करता है, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है, से ये सिमिलर टाइम के होमोन्यूक्लियर है, तो हमने कहा कि जो डिस्टेंस है इनके बीच में डी ए ए, वो कुछ होगा यहाँ पे डी ए, हम मान लिया डी ए ए है, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजन क्या है, ओवरलैपिंग है, दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल में ये ओवरलैपिंग रीजन नहीं था, ये भी ए ए थे, लेकिन ये टच कर रहे थे सिर्फ, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, तो हम कहते थे कि ये मेटेलिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये कांटेक्ट में थे, दे आर द मेटेलिक सॉलिड। तो ये हो गया डी ए ए, यहां भी है,
लेकिन ये केस ऑफ मेटल्स है। और हम लोग देखते थे कोवेलेंट की बात करते थे, तो कोवेलेंट में अगर हम बात करें तो सपोज कोवेलेंट में हम लोग कहते थे कि कोई एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें दो टाइप के हमारे पास क्या है एटम है, दे आर सेपरेटेड फार अपार्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस नहीं हो सकती है, सेपरेशन हमेशा होता है, ठीक है, सेपरेशन हमेशा होता है। ये मान लीजिए हमने, तो यहां पे एक अच्छा खासा सेपरेशन है इन दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये ए बी टाइप के या ये बी, इसको नाम दे दे रहे हैं इस बार इसको ए नाम दे दे रहे हैं, तो ए बी ये मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे ए बी मॉलिक्यूल जो ए ए एंड है दे आर फॉर सेपरेटेड, ये सेपरेटेड है। अब हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहां डिफरेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, यहां पे बात करेंगे वांडरवाल रेडियस, वी आर की बात करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ डी ए ए होगा। यहां पे किसकी बात करेंगे हम लोग, वांडरवाल रेडियस फॉर ए, यहां पे बात करेंगे मेटेलिक रेडियस के लिए, ठीक है, तो यहां मेटेलिक एम आर हो गया मेटेलिक रेडियस, दैट इज हाफ ऑफ यहां डी ए ए होगा, ठीक है। अच्छा डी डैश दे रहे हैं ताकि हम लोग पहचान पाए, ये डी हो गया डी डैश दे दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वो लगेगा सबका सब डेटा सेम है डी ए ए, और यहाँ पे डी डबल डैश बोल दे रहे हैं, तो दैट इज कौन सा रेडियस हो जाएगा, वांडरवाल रेडियस हो जाएगा फॉर ए। तो वांडरवाल रेडियस दैट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी डबल डैश ए ए हो जाएगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो डी ए ए है ना, ये क्या है सबसे कम है, और डी डैश ए क्या है इन बिटवीन है, और सबसे बड़ा कौन है डी डबल डैश ए ए है ना, क्योंकि दे आर फॉर सेपरेटेड, वो सेपरेटेड होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और यहाँ पे टच करते हैं और यहाँ पे वो मर्ज कर जाते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको हाफ से डिवाइड कर दें, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये क्या बन गया आपका, दैट इज वांडरवाल रेडियस एंड दैट इज स्मॉलर देन मेटेलिक रेडियस एंड दैट इज स्मॉलर देन वांडरवाल रेडियस, दैट मींस सॉरी उधर लग क्या है, वांडरवाल नहीं होगा, ये क्या होगा आपका कोवेलेंट रेडियस, सॉरी कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस स्मॉलर देन मेटेलिक रेडियस इज स्मॉलर देन वांडरवाल रेडियस, तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रेडियस जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वांडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। यही इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जो हमारे इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस कोई बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड बनाती ही नहीं है, ना तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, ना तो वो कोऑर्डिनेट बनाती है, ना तो आयनिक बॉन्ड बनाती है, इसका मतलब उनके लिए इकलौता एक ही रेडियस डिफाइंड होता है, कौन सा वांडरवाल रेडियस, इसीलिए अपने पीरियड में वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उनके लिए कौन सा रेडियस डिफाइंड है, वांडरवाल रेडियस डिफाइंड है, तो अपने पीरियड में, जबकि पीरियड में हम लोग जाते हैं तो रेडियस घटता रहता है, आखिर में जाके एकदम कम होना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्शनली सबसे बड़ी हो जाती है, क्यों बड़ी हो जाती है, बिकॉज ऑफ उनके पास प्राइमरी बॉन्ड नहीं होता है, दे ओनली फॉर्म सेकेंडरी बॉन्ड, दैट मीन्स वांडरवाल अट्रैक्शन, है ना, इसके लिए उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वांडरवाल रेडियस डिफाइंड होता है, इसलिए उनकी साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है। नोट कर लीजिए, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पीरियडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस, तो पीरियोडिक दो ही वेरिएशन डिस्कस किए जाते हैं अलोंग द पीरियड, पहला इसमें हेडिंग डालेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड मतलब अब पीरियड भी लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे,
स्टैंडर्ड होता है, कोई कहे ना कहे अंडरस्टूड होता है कि लेफ्ट टू राइट की ही बात होगी, ठीक है। तो अगर पहले पीरियड में देखा जाए, है ना, तो पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट है, एक हो गया हाइड्रोजन, है ना, पीरियड नंबर वन की बात करें तो एक हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया हीलियम। और हीलियम कोई प्राइमरी बॉन्ड बनाता ही नहीं है, इनर्ट गैस है, ये कोई प्राइमरी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसके लिए सिर्फ कौन सी रेडियस डिफाइंड होगी, सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल रेडियस डिफाइंड होगी। और वंडरवॉल रेडियस हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो रेडियस हो गया इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो हम कहेंगे हीलियम का रेडियस ज्यादा होगा किससे, हाइड्रोजन के रेडियस से। तो रेडियस ऑफ हीलियम ज्यादा होगा, और इसके इसके पीछे रीजन क्या है कि इसका जो रेडियस होगा वो वंडरवॉल रेडियस होगा, है ना। और इसका मेटालिक, मेटालिक तो नहीं होगा, कोवेलेंट होगा या कोऑर्डिनेट होगा, कोवेलेंट होगा, कोऑर्डिनेट भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो प्राइमरी बॉन्ड नहीं बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये ऑलरेडी हीलियम स्ट्रक्चर क्या है, इनर्ट गैस है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रखता है, तो क्यों स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल रेडियस होगा। अब पीरियड टू में आते हैं, तो पीरियड टू में हमारे पास कौन होता है, इधर लिथियम होता है, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, फिर ये डी ब्लॉक में कोई होता नहीं है, है ना, अभी स्टार्ट है नहीं, फिर कौन स्टार्ट होता है, हाँ बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और इसकी बात हम लोग नियॉन, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। नियॉन, ठीक है, कि रेडियस सबसे ज्यादा होगी अपने पीरियड में, वजह साफ है, वंडरवॉल रेडियस उसके पास है, सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर नॉट अप्रोचिंग टू, है ना, बहुत अप्रोच नहीं करेंगे वो। खैर अब यहाँ पे इनकी बात करते हैं, तो आप ये देखो पीरियड नंबर टू है, इसका मतलब इनके पास सिर्फ दो सेल होंगे, के सेल होगा और एल सेल होगा, इसके पास भी के सेल होगा, एल सेल होगा, ऐसे ही सबके पास होंगे। लेकिन इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर थ्री है, तो इसके पास तीन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 2.1 हो गया, तो बैलेंस सेल में जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहां पड़ा हुआ है, एल सेल में पड़ा हुआ है, और जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो कहां पड़े हुए हैं, के सेल में। अब अगला जब इसका एटॉमिक नंबर फोर हो जाएगा, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आया वो कहां गया है, वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के साथ में है, और जो उस सेल में इलेक्ट्रॉन खुद पड़े हुए हैं वो उसको तो रिपेल करेंगे नहीं, रिपेल तो अंदर वाले करते हैं जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनर कोर अब क्या हो गई, फिक्स हो गई। इसका मतलब जो स्क्रीनिंग है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 2, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2.3, इसका 2.4 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। तो अगर हम यहां तक की बात करें तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो तो फिक्स हो गए क्योंकि सेल फिक्स हो गए अलोंग द पीरियड, और जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आउटर मोस्ट सेल में आ रहे हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसका मतलब सिग्मा क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, सिग्मा हो गया कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, इनर इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए अलोंग द पीरियड। अब इसका लेकिन जेड क्या होता चला जा रहा है बताइए, यहां तीन था, तीन प्रोटॉन थे, फिर जेड क्या हो गया, चार प्रोटॉन हो गए, फिर क्या हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो न्यूक्लियस में जेड क्या होता चला जा रहा है बताइए, जेड बढ़ता चला जा रहा है ना। इसका मतलब जब भी अलोंग द पीरियड जाएंगे अगर जेड बढ़ रहा है और सिग्मा कांस्टेंट है तो जेड माइनस सिग्मा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जेड माइनस सिग्मा को ही क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से खींचे जाएंगे, जब तेजी से खींचे जाएंगे तो साइज क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, मतलब रेडियस क्या होती चली जाएगी, छोटी, डिक्रीज करती चली जाएगी बाय ड्यू टू इंक्रीजिंग द जेड इफेक्टिव। ये बात समझ में आया ना, तो जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं जेड इफेक्टिव, एक लाइन वन लाइनर बोलेंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, हेंस कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात समझ में आया ना, लेकिन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हमेशा बात करेंगे कि सबसे बड़ा कौन होगा, इनर्ट गैस होगा, उसके बाद ये ट्रेंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो नोट कर लो,
अब लोग देखेंगे एलॉन्ग द ग्रुप वेरिएशन कैसे होता है, सेकेंड पॉइंट। सर इसमें ऊपर से नीचे आएगा? हाँ, एलॉन्ग द ग्रुप। और हमेशा यहाँ पे बात जब भी होगी एलॉन्ग द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, अब देखिए अगर हम बात करें पहले वाले जीवन ग्रुप की बात करें तो जीवन ग्रुप में हम लोग देखते थे है ना क्या था, हाइड्रोजन था, हेलिना की रब से फरियाद है ना, रब से सियर फरियाद एफआर होता था। अब देखिए हुआ क्या, इसका एटॉमिक नंबर वन है, इसके पास सिर्फ एक सेल है, क्या है, के सेल है। इसका एटॉमिक नंबर हम लोग क्या करते थे, इसमें टू ऐड करते थे मैजिक नंबर और क्या मिलता था, थ्री मिलता था। और इसके पास दूसरे पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास दो सेल होते थे, के सेल और एल सेल, जिसमें एल सेल हम क्या कहते थे, बैलेंस सेल है, और ये पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है या इनर मोस्ट सेल जस्ट कहा जाता है ना। इसी तरह से अब अगला मैजिक नंबर एट ऐड होता था तो ये इलेवन आ जाता था, और इसके पास के सेल भी होगा, एल सेल भी होगा और एम सेल होगा, जिसमें एम सेल बैलेंस सेल हो गया, एल पेनल्टीमेट सेल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला मैजिक नंबर क्या ऐड, एट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19, एंड देन इसके पास चार सेल हो जाएंगे, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन सेल हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 18 ऐड कर देंगे तो 36, 37, 37 हो गया है ना। और फिर क्या करेंगे हम लोग, 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 32 ऐड कर लेंगे तो 87 आ जाएगा। तो ये मैजिक नंबर इस्तेमाल करके हम लोगों ने सारे एटॉमिक नंबर रिकवर कर लिया। हम लोग देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं दो बातें हो रही हैं। पहला बात क्या है कि जो भी सेल है, नंबर ऑफ सेल्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं, हर एक स्टेप में एक सेल इंक्रीज कर जा रहा है ना, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस पहला पॉइंट हो गया। नंबर ऑफ जो सेल है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा कि जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन था, इसके पास तीन प्रोटॉन आ गए हैं न्यूक्लियस में, यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो गए हैं, 11 प्रोटॉन हो गए, ये बात समझ में आया ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अब, ठीक है। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ऊपर का मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जाने, अब इन दोनों के इफेक्ट अलग अलग है। हम लोग जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज छोटी होती है ना, लेकिन अगर सेल बढ़ेगा तो साइज बड़ी होनी चाहिए, दोनों के अपोजिट इफेक्ट हो गए। इसका मतलब अब डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका है, तो अब ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो आप ये कहते हो कि जो पहला वाला इफेक्ट है ये डोमिनेटिंग होता है, सेल का इंक्रीज करना ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से। तो कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग हो गया, पहला वाला फैक्टर क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसके इफेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम कहेंगे कि नीचे जाने पे सेल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और अगर सेल इंक्रीज कर रहा है तो साइज क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। सेल इंक्रीज कर रहा है, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल तीसरा सेल है ना, तो सेल इंक्रीज कर रहा है तो साइज क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। तो व्हेनेवर वी गो टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। हाँ, नोट कर देखो इधर। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर पहली नजर में देखा जाए आपको कि नीचे जाने पे सेल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव ऐसा नजर आ रहा है कि इंक्रीज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में यहाँ पे एक प्रोटॉन थे, फिर तीन प्रोटॉन हो गए, फिर 11 प्रोटॉन हो गए, तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है उस पे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन का इफेक्ट है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है, पहली नजर में आपको नजर आता है। लेकिन अगर अंदर से आप देखिए तो अगर ये न्यूक्लियस है
और इसके अंदर प्रोटॉन्स, अगर जो भी प्रोटॉन है, सपोज एन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये इफेक्टिव ये न्यूक्लियर चार्ज है ना कन्फाइंड करते हैं एक तरह से, एनपी है, तो ये तो बढ़ रहे हैं, ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ होता है, जो के टाइम्स, ये कोई कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, 1/4πε0, दैट इज 9×10⁻¹, ये फिक्स होता है। और यहाँ पे Q1 Q2 में अगर हम देखें तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया, और प्रोटॉन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एनपी हो गया, हम कह रहे हैं एनपी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो एन बढ़ रहा है आपका, एन बढ़ने की वजह से न्यूमरेटर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप ध्यान दीजिए कि एन बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल के बढ़ने की वजह से आर भी तो बढ़ रहा है, और अगर आर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो रेशियो नियरली कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमें नजर आ रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, वो अपरेंटली नजर आ रहा है, उसको सही से सोचिए तो ये नियरली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब मेन डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका हो गया, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने का हो गया, इसके हिसाब से डिसीजन हम लोग थ्रो करेंगे। इसका मतलब जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल बढ़ता है, जेड इफेक्टिव नियरली कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। ये बात समझ में आ गया, तो लिख लीजिए, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, जेड इफेक्टिव रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन कॉन्स्टेंट। बट नंबर ऑफ सेल गेट इंक्रीजेस, हेंस डिस्टेंस बिटवीन, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। Thus size is increases. वही तो लिखे हैं एनपी, नहीं उसी से तो हम बताएं कि जेड इफेक्टिव भी कांस्टेंट है, पहली नजर में तो दिखता है जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन अभी आ गया तो हम लोग कायदे से बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, है ना, उस पे दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, साइज भी ऊपर हावी हो रहा है। हो गया, yes. अब यहां पे बात करेंगे पीरियड वन, ठीक है, पीरियड वन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है, ठीक है, क्या होता है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज, हाँ रीजन क्या लिख देंगे, वंडरवॉल रेडियस, है ना, ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस, ड्यू टू वी आर वंडरवॉल रेडियस। हीलियम के लिए वंडरवॉल डिफाइंड होगी, और ठीक है तो उसके लिए
आयनिक कोवेलेंट दोनों डिफाइन की जाए, ये प्राइमरी बॉन्ड के थ्रू डिफाइन कर जा सकती है। पीरियड टू में क्या हो जाएगा, पीरियड टू में सबसे पहले क्या है, लिथियम है तो लिथियम, फिर क्या हो गया बेरिलियम हो गया, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, सेल उतने ही है क्या, बेरिलियम बढ़ा है ना तो उसकी तरफ जा रहे हैं। नहीं, बेरिलियम छोटा हो जाएगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हीलियम का साइज बड़ा है, वंडरवॉल रेडियस डिफाइंड होती है इसके लिए, और इसके लिए कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड होती है, इसलिए साइज छोटा हो गया। वरना ट्रेंड क्या है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और चार्ज बढ़ेगा तो वो साइज क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, इधर वाली चीज छोटी होगी है ना, तो बेरिलियम इधर है, उसके बाद क्या हो गया, बोरान हो गया, और छोटा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद फिर कार्बन और साइज छोटा हो गया है ना, उसके बाद क्या हो गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और फ्लोरीन सबसे छोटा हो गया, लेकिन नियॉन यहाँ नहीं रखना है, नियॉन भाग के आ जाएगा, कहेगा हमारे लिए तो वंडरवॉल रेडियस है, क्या है, वंडरवॉल रेडियस है, ध्यान रहे, ये बात समझ में है ना, तो ये वंडरवॉल इफेक्ट है यहाँ पे। पीरियड थ्री में क्या बात करेंगे, पीरियड थ्री में अब बताओ कौन होता है, हेली क्या होता है ना, ठीक है, उसके बाद बेटा मांगे, उसके बाद बाबू अली, कार्तिक शिव, नानी पापा, ओल्ड स्टाइल, फिर कल भारत है ना, और जो सबसे इधर क्या था, नियॉन है ना, अच्छा हाँ ठीक है, नियॉन के बाद आर्गन आएगा, तो आर्गन आ जाएगा फिर यहाँ पे, हाँ वंडरवॉल रेडियस हो गया ना इसके लिए, बाकी सबके लिए कोवेलेंट आयनिक रेडियस होगा, मेटालिक रेडियस होगा, जैसे मेटल्स है, और बाकी ट्रेंड वही रहेगा। नहीं बस हो गया कि सबकी बात करी जाएगी। पीरियड फोर में खतरा है, डी ब्लॉक एलिमेंट घुस जाएंगे, देश भर का एक्सेप्शंस आने लगते हैं ना, इसलिए तीन पीरियड का हम लोग ट्रेंड ऐसे सीख लेते हैं या पूछा जाता है तो लोग बता देते हैं। अब हम लोग ब्लॉक वाइज बात करेंगे, मतलब डी ब्लॉक की अलग बात करेंगे, या पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं, जीवन ग्रुप हटा दे इसको, नहीं जीवन ग्रुप की बात करेंगे, अभी पीरियड हो गया। ग्रुप लीडर है जी, ग्रुप वन, अब ग्रुप में हाइड्रोजन को हटा ही देते हैं ना, हाइड्रोजन हटाओ तो लिथियम हो गया, और अच्छा लीना, अरे यार तुम हेलीना है ना, हाँ देहा से फरियाद, ठीक है, अब अरे सब कुछ रह करेगा, सारी मात्रा स्वर क्या बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि जो सबसे छोटा हो गया वो लिथियम हो गया, इसके पास एक ही सेल है कि नहीं, और जो सबसे बड़ा हो गया वो फ्रांसियम हो गया, सबसे बड़ा हो गया, तो फ्रांसियम सबसे बड़ा है और लिथियम सबसे छोटा है, बाकी ट्रेंड में कोई फर्क आना नहीं है ना। रीजन क्या देंगे, वही जो लिखे, हाँ अरे उसके लिए मेटालिक मेटालिक रेडियस डिफाइंड है, अगर मेटल नहीं है ना उसको हटाई दिए, सीएस ठीक है, रीजन याद दे देंगे, ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, बस रीजन लिख दोगे ना, ड्यू टू, हाँ ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेल, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल,
ऐसे ही ग्रुप और G2 के लिए भी ऐसे ही लिख लो ना, दोनों का ट्रेंड सेम ही सेट कर लो। ये स्टार्ट है रिकॉर्डिंग के लिए तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शंस की अब बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला एक्सेप्शंस हो गया डी ब्लॉक से। तो इसमें तीन सीरीज होती है, 3D, 4D और 5D होती है। ठीक, 3D फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, फिफ्थ पीरियड में 4D, सिक्स्थ पीरियड में 5D। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, फोर्थ फाइव सिक्स, हाँ सही। तो कौन सा पहला डी ब्लॉक एलिमेंट होता है? SC है ना, तिवारी, VCR है ना, VCR मत, MN, FECO, निकल कॉपर जिंक का बना है ना, निकल कॉपर जिंक का बना है। ठीक है, ऐसे हम लोग याद रखते थे। अब यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 21 होता था। ठीक है, तो इधर देखो एटॉमिक नंबर 21 है, इसके पास क्या है 22 है। अब जो इसका पीरियड होता था वो 4 हो गया, पीरियड हो गया 4। ठीक, अब पीरियड 4 होते ही पीरियड फिक्स हो गया है, अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने पढ़ रखा है ट्रेंड कि पीरियड में नंबर ऑफ सेल फिक्स हो जाते हैं, है ना, इसके पास 4 सेल होंगे, K होगा, L होगा, M होगा और N होगा। तो सेल तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्रोग्रेसिवली एक एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या होते चले जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, 23 हो गया, 24 हो गया। अच्छा, जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आउटर मोस्ट के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनर कोर के इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स हो गए। ये बात समझ में आया ना? लेकिन इसका मतलब सिग्मा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, सिग्मा कॉन्स्टेंट हो गया पीरियड में, ये बात किए थे हम लोग। लेकिन जेड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जेड माइनस सिग्मा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आया? इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो साइज क्या होनी चाहिए, सिंक करनी चाहिए। इसका मतलब सबसे बड़ा स्कैंडियम होना चाहिए था और सबसे छोटा जिंक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही तो वजह है कि इसे एक्सेप्शन में डाल दिया गया। अब वो सारे वजह क्यों होती है ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये D1 होता है ना, D1 4s2, हाँ 3D1 हो गया, अब 4s2, ठीक है, D की बस बात करते हैं, D1 हो गया, और इसका क्या हो गया, D2 हो गया, इसका क्या हो गया, D3 हो गया, D4 एग्जिस्ट करता नहीं है, S से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, D5 ये भी हो गया और D5 ये भी हो गया। बस ये है कि ये 4s2 हो गया और ये 4s1 हो गया, 3d5। ये बात समझ में आ गया, ये भी 3d, इधर 4s2 है सब 4s2, और ये क्या हो गया 4s2, 3d2 और 3d1 और 4s2 हो गया। ये बात समझ में आ गया ना? अब देखिए हो क्या रहा है, यहां तक इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड हुआ है यहां तक। लेकिन हाफ फील्ड के बाद जो ही Fe की बात हुई, आयरन की बात आई, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d6 हो जाएगा, और सिक्स इलेक्ट्रॉन जाते ही क्या होगा, पेयरिंग होगा। पेयरिंग होगा इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो यहां पे रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑर्बिटल अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा। अब जब रिपल्सन स्टार्ट होगा तो साइज क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो घटनी चाहिए थी अब ये काउंटर कर रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इफेक्ट नलिफाई होने लगता है, है ना, इफेक्ट जो घटनी चाहिए थी और एक तरफ से अब रिपल्सन की वजह से बढ़ना स्टार्ट हो गया साइज। इसका मतलब कि वहां जो साइज है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो जो हमारा यूजुअल ट्रेंड होना चाहिए था, क्या ट्रेंड होना चाहिए था, कि जिंक सबसे छोटा होना चाहिए था, वो यूजुअल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। बिकॉज जो अब अगला इलेक्ट्रॉन D7 आने वाला है, जो D7 आने वाला है वो भी पेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा,
D8 आने वाला वो भी बढ़ेगा, ये तो D10 होता है, ये भी D10 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स काफी बढ़ने वाले हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये, और जितने इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं वो डी में इंटर कर रहे हैं, ये बात समझ में आया ना। और डी इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, एफ का तो ना के बराबर होता है, सबसे ज्यादा एस का काउंट किया जाता है, फिर पी का काउंट किया जाता है। तो हम कहते हैं कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनके खुद के अंदर रिपल्सन बढ़ रहा है, तो जो साइज सिंक करनी चाहिए थी, डिक्रीज करनी चाहिए थी, अब वो डिक्रीज नहीं करेगी। तो जो एक्चुअल साइज आपको याद रखना है, ठीक है, और रीजन तो ये हो ही गया कि एस सी सबसे बड़ा हो गया, होना भी चाहिए था, फिर आपका क्या हो गया, टी आई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जिंक आ गया, टी आई के बाद कौन आ जाता है, जिंक आ जाता है, यहां पे आ जाता है, समझ आया ना, ये ट्रेंड याद रखना पड़ेगा। और फिर क्या हो गया आपका, वी हो गया, और फिर क्या है आपका, सीआर, सीआर के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने लगता है, एमएन इक्वल्स टू एफई, ठीक है, एफई के बाद इक्वल्स टू सीयू होता है, और फिर सीओ छोटा हो जाता है, और सबसे छोटा निकल होता है। तो जो जिंक की पोजीशन थी वो कौन ले लिया, निकल ने ले लिया, किसकी वजह से, दो वजह थी, एक जो पेयरिंग हो रही थी, एक ही ऑर्बिटल जब पेयरिंग होने लगी तो वहां पे रिपल्सन स्टार्ट हो गया, साइज वहां से बढ़ने लगी जो घटनी चाहिए थी, है ना। दूसरा काम क्या हुआ कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, जब को इनर कोर की इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में जा रहे हैं, और डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये बात समझ में आया ना। तो ये दोनों वजह मिलके साइज जो ट्रेंड है वो क्या, यूजुअल ट्रेंड को बदल देते हैं, तो एक्सेप्शनल ट्रेंड आ जाता है, जो आपको याद रखना होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कारण लिखवा दीजिए।